करना चाहिए ना। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए जरा, अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है? सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। इस सिंपलीफिकेशन में हमने दो तीन चार टाइप बड़े इंपॉर्टेंट टाइप को किया है। पहला क्वेश्चन याद है आपको, अगर जब मैं आपसे ये पूछूं कि इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर क्या था, 99 3/7, 99 4/7, 99 5/7 and 99 6/7, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर आपको पता है बताइए आंसर क्या था इस टाइप। यू आंसर क्या था, आंसर याद है सर? खेला आंसर याद, याद करिए। बहुत सिंपल आंसर था 597, याद आया कुछ? 597। इसको करने का तरीका क्या है बताया था हमने, सब 99 को ब्रेक कर दिए। यू कैन राइट लाइक दिस 99 + 1/7, फर्स्ट टर्म को यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। सो सेकेंड टर्म ऑल्सो, थर्ड टर्म ऑल्सो, एवरी टर्म कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 99 + 1/7, 99 + 2/7, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या यहाँ पर, 99 + 2/7, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे 99 + 6/7, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 99 कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स। सो यू कैन राइट 99 × 6 सीधा एक बार, प्लस सब जगह प्लस है। अब ये क्या आएगा, 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7, ठीक है। अब ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 594, ठीक है। 594 ये आ गया। अब प्लस इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 594 प्लस 21/7 ये आ गया 3, तो 594 प्लस में 3 जैसे इक्वल टू 597। आपका प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन पे ऐसा हो जाना चाहिए कि आंसर तक याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आंसर आपको याद रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ये टाइप का क्वेश्चन एसएससी में स्पेशली 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। और आप जैसे ही इसको देखें, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए इसका प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, मतलब इस सबको पहले ब्रेक कर करके और उसके बाद सभी 99 को एक साथ कर दिया, 99 को 6 टाइम जोड़ने के बजाय 99 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब प्लस ये 2/7, 1/7 जितना है 6 तक जाएगा, इसका सीधा आंसर आपका, इसका आगे कितना ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21/7 ये 3 आ गया और ये 594 आया, दोनों को ऐड करके ये आंसर। तो इस टाइप का हमने 2-3 क्वेश्चन कराया था अगर याद, ठीक है। इसके अलावा जो हम दूसरा टाइप कराए थे वो क्या था, अगर उस पर हम डिस्कस करें, एक प्लस का इंपॉर्टेंट टाइप आपको याद करिए, जो 1/1 × 2 + 1/2 × 3 × 4, ऐसे कर करके लास्ट में था 1/51 × 52। यू कैन जस्ट इंक्रीज टू एनी नंबर ऑफ द टर्म्स, हियर वी हैव टेकन अप टू ओनली 51 to 52, लेकिन आप चाहे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। यही था एक टाइप। इसका आंसर कैसे निकालते थे मिस्टर विमल इंस्टीट्यूटर निखिल, इसका रूल हमने बताया था बड़ा सिंपल था, आप बताइए क्या था रूल? जब भी डिफरेंस देखिए आप, सब जगह डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा डिफरेंस, या तो आपका 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा, जो भी डिफरेंस रहेगा सब जगह एक ही रहेगा, एक पॉइंट ही है। अगर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 3, सब जगह 3 2, जो भी रहेगा डिफरेंस सब जगह सेम है, ठीक है। इसके बाद इसका रूल हमने बताया था, एक तो डिटेल बताया था और एक ट्रिक भी बताया था। ट्रिक ये था कि फर्स्ट माइनस लास्ट इसको कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट माइनस लास्ट 1/52 एंड दिस इज हाउ मच, 52 - 1/52, ये आंसर आ जाएगा 51/52, ये आपका आंसर, ठीक है, अगर डायरेक्ट करना चाहे तो। लेकिन अगर आप और डिटेल समझना चाहे तो इसको हमने बताया था कि इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/1 - 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही चला, 2 - 1 तो 1 बचेगा, 1 × 2 यही है। इसको आप लिखें तो 1/2 - 1/3, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा,
वन और नीचे टू इंटू थ्री, ये वापस यही टर्म बन जाएगा। तो ऐसे कर करके सब आप लिखेंगे लास्ट में 151 माइनस 1/52 और सबको जोड़ेंगे तो देखिए माइनस प्लस सब कैंसिल होते चला जाएगा और यहाँ फर्स्ट टर्म बचेगा और रूल यही है इधर फर्स्ट बचा तो उधर लास्ट बचेगा, ये भी तरीका। तो ये आप सॉल्व करके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये डिफरेंस अगर थ्री का रहे, एक क्वेश्चन हमने बताया था याद करिए, 4 × 7 प्लस 7 × 10 तीन का डिफरेंस दे दिया, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, सब जगह 3 का डिफरेंस लिया, 1/10 × 13 कर दिया, 1/13 × 17 कर दिया और 1/16 × 19 कर दिया। दिस टर्म मे इंक्रीज अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स एनी नंबर ऑफ टर्म इट कैन मूव, ठीक है। बट अभी हमने 19 तक लिया है तो इसका रूल क्या बताया था, रूल डिफरेंस देखिए सबका सेम है, यस और नो, डिफरेंस सब जगह सेम है लेकिन रूल इसका क्या था, फर्स्ट माइनस लास्ट। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और है, क्या है वो एक्स्ट्रा चीज, फर्स्ट माइनस लास्ट तो करेंगे लेकिन डिफरेंस जितने का है ना जी, डिफरेंस कितने का है, 3 का, सो यू कैन जस्ट डिवाइड बाई 3। अगर डिफरेंस 2 का रहे तो 2 से डिवाइड, डिफरेंस 3 का रहे तो 3 से डिवाइड, डिफरेंस 4 का रहे, जितना भी रहे डिफरेंस वही आपको डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करिए, ये आपका आंसर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 19 − 4 कितना हो जाएगा, 19 − 4 ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस 4 × 19, इसके नीचे 1, ये सीधा 1 अपॉन रिवर्स आ जाएगा ना, अब ये 3 से 5 आ जाएगा, सो आंसर इज 5 अपॉन कितना 76, ये आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का कई बार एसएससी में आ चुका है, एसएससी में इवन सीडीएस में एक बार अभी 2015 के आसपास 15 या 16 में आप देखेंगे सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा था इस टाइप, 3-3 का डिफरेंस वहाँ भी दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना चाहिए, बहुत तो एक इस टाइप का करा था। तो दूसरा तीसरा टाइप क्या था इसी में, जरा आप बताइए निखिल, आप बताइए एक टाइप और था इसी में कटने वाला, याद करिए कैसा था वो, लाइक दिस 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4 ऐसे डॉट डॉट 1 + 1/75 अगर ऐसा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको है, ये भी इवन UPPCS में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये आता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले सब टर्म को आप इंडिविजुअली सॉल्व करें, 2 + 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3/2, ये नीचे 1 तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 3 + 1 / 3 ये हो जाएगा 5/4 ये हो जाएगा आगे फिर लास्ट में 76/75 यस यू नो 76/75। अब ये क्या होगा, ये कटने का पैटर्न पकड़ना है, अगर अभी ऐसे कट रहा है ठीक है तो यहाँ का ये टर्म कटेगा, ये नहीं कटेगा, वाई बिकॉज नेक्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई दिस टर्म विल नॉट बी कैंसिल, सो हियर द डिनोमिनेटर लेफ्ट तो वहाँ क्या होगा न्यूमरेटर हो जाएगा। रूल यही है इस क्वेश्चन का, इफ डिनोमिनेटर इज हियर न्यूमरेटर विल बी देयर, अगर न्यूमरेटर यहाँ बचता देन डिनोमिनेटर विल बी देयर, यही रूल है ना। तो यहाँ पे 2 बचा वहाँ 76, सो फाइनल आंसर इज 76/2, तो 2 से कितना आ जाएगा ये 30 आपका 3 आ जाएगा ना, नहीं 38 यस, सो फाइनल आंसर इज 38, समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन था, इसी में एक क्वेश्चन हमने माइनस का भी लिया था याद कर, और माइनस का क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अब उसके कटने का पैटर्न कुछ अलग होगा, ठीक है। अलग क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 − 1/5 से हम स्टार्ट करते हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी टर्म, आइदर इट मे बी 5 और इट मे बी 2, 3, 4 लाइक दैट। तो ये क्या आ जाएगा 1 − 1/6 1 − 1/7 1 − 1/8 ये लास्ट में है 1 − 1/n तक दिया हुआ है, सपोज n इज द टर्म, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, तो खाली सॉल्व करिए, जिस 5 − 1 ये हो जाएगा 4/5 ये हो जाएगा कितना 5/6 ये हो जाएगा कितना 6/7 7/8 डॉट 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 कितना आएगा n − 1